हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके थे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो जो बच्चे को इस वीडियो में प्रॉब्लम होगी तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जो एग्जांपल है वो अच्छे एग्जांपल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जांपल है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइम वेस्ट किए क्या, अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ना। सबसे पहले पढ़ते हैं डिफिनेशन, क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। रिएक्शंस इन विच द एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम्स और आयन मूव होते हैं एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक और नया कंपाउंड बना लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपके सामने एक फॉर्म दिख रहा है, क्या आपके सामने कोई एक एटम से ए और ये कंपाउंड है बी सी, इसमें से क्या हुआ, इसमें से ए गया और सी को हटा दिया और सी की जगह पे अपने को बिठा लिया, या फिर बी को हटा दिया और बी की जगह पे अपने आप को बिठा लिया, तो यहाँ पे बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसने किया, ए ने किया, और बी तो यहाँ से भाई बाहर निकल गया और यहाँ पे जो नया कंपाउंड मिल गया वो ए सी वाला कंपाउंड मिल गया। आप बोलोगे हाँ सर, मतलब एक जाएगा एक को हटा देगा तो नया कंपाउंड आपके सामने नजर आएगा। फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज अ मोर रिएक्टिव, मतलब ये तभी हो सकता है जब इसमें से ये जो ए है ये इसको तभी हटाएगा, ए बी को तभी हटाएगा जब ए ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, बी से। भाई देखो घर में क्या होता है, घर में जब कोई बूढ़ा आदमी आता है तो छोटे लोग चेयर को छोड़ देते हैं, भैया आप बैठिए, मतलब जो बड़े लोग आए वो छोटे लोग को डिस्प्लेस कर दिए। वैसे सेम प्रोसेस है, इसमें वही डिस्प्लेस करेंगे जो मोर रिएक्टिव होंगे जो अपने जगह पे बैठा है उससे। यहाँ पे बी से ए ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए ए ने बी को हटा दिया और बी ने भी बोला भैया आप आइए हमारे जगह पे बैठ जाइए, तो यहाँ पे बैठने के बाद एक नया कंपाउंड बन गया और बी कुर्सी छोड़ दिया। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर। वही लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। If B is more reactive than A, then A will not displacement C from BC and the reaction will not taken place. अगर A reactive नहीं होगा B ज़्यादा तो BC नहीं जो तो AC नहीं बनेगा तो displacement reaction यहाँ पे आएगा नहीं। जैसे हमने example लिया when zinc react with the hydrochloric acid, जब zinc hydrochloric acid से reaction करता है मतलब Zn plus HCl करता है तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाता है। फिर से वही काम, व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जब जिंक CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर मेटल अलग से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है इसलिए यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर को जाकर डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर जगह अपने आप को बिठा के ZnSO4 बना लिया और CU अलग से अलग निकल गया। सेम से जिसमें है व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन अ कॉपर नाइट्रेट, जब सिल्वर मेटल को हम क्या करते हैं एक कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं डुबाते हैं तो क्या होता है नो रिएक्शन टेक प्लेस, क्यों, क्योंकि सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो सिल्वर होता है वो कॉपर को हटा नहीं पाता क्योंकि बाबू ये जो है वो कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो बाबू बड़े लोग ही तो आने पर छोटे लोग कुर्सी में छोड़ेंगे, अभी छोटे लोग के आने पर बड़े लोग कुर्सी थोड़ी छोड़ेंगे, है ना। घर में अगर कोई छोटा लोग आ गया और आप बड़े हो उससे तो आप चेयर थोड़ी छोड़ोगे, बोले भैया जाके ले लो वही बैठ लो, है ना। वैसे सिमिलरली अब ये क्या है एजी जो छोटा है और कॉपर क्या है बड़ा है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो एजी बोलेगा भैया कॉपर को नहीं हटाएगा, एजी आके अपने साथ बैठने के लिए चेयर लेके आएगा। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है।
ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो डबल होता है, कैसे कैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी है और सी डी है, ए बी है सी डी है, यहाँ पे जो है वो ए सी को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे जो बी है वो सी को डिस्प्लेस कर देगा, या फिर डी को, ए सी को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, बी डी को डिस्प्लेसमेंट करेगा, जब ए सी को डिस्प्लेसमेंट करेगा तो यहाँ पे जो बनेगा फार्मूला वो ए डी बन जाएगा, और ये जो सी इसके डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो इसके साथ आ गया और सी और बी मिलके इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल गए, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस मिल जाएंगे तो आपके पास दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे, बाकी सेम चीज़ें वही हैं, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या है यहाँ पे, अगर बेरियम क्लोराइड को अगर हम Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो बेरियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस करके अपने जगह पे वहाँ पे बैठा देगा और बोलेगा सोडियम को यहाँ चले जाओ, तो क्या हो जाएगा वो BaCl2 प्लस 2NaCl बन के तैयार हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है, जब NaOH को HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये NaH को डिस्प्लेस करके क्या हो जाता है NaCl बना देता है और H2O इधर बन जाता है, यहाँ पे भी क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ देखना ध्यान से, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस हो गया, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन मतलब NaCl मिल गया, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक आपस में न्यूट्रल हो गए, और इसलिए इसको बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ये सब तो हो गया था पिछले वीडियोज में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट से जरूर बताया करिए सर इस टॉपिक में दिक्कत है, एग्जाम्पल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम और आगे आने वाली वीडियोज में वो चीज़ें रिकॉल करवा देंगे। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आई हो तो भाई वीडियो को लाइक, और हाँ जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करिए, और हाँ जिन बच्चों को PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ भी आपको सारे क्लासेस की PDF प्रोवाइड की जाती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस की भी PDF प्रोवाइड की जाती है, तो भूलिएगा मत। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।